हेलो गाइस, वेलकम टू दिस बड़ी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 8 अपडेट के बारे में और बात करेंगे एक फॉक्स कंपनी के अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहला जो अपडेट आ रहा है वो है ब्लैक विडो मूवी का, यानी कि स्कारलेट जॉनसन। तो स्कारलेट जॉनसन की अपकमिंग ब्लैक विडो मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी फरवरी के महीने से। इससे पहले मैं ये अपडेट दे चुका हूँ, पर अपडेट ये है कि इसकी जो सेकंड लोकेशन डिसाइड करी है वो है मार्च में, देन यूके में। तो यूके के रिपोर्टर काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, उसके बाद हमें शायद पॉसिबिलिटी कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेंगे मार्च के महीने में, जो कि यूके में शूटिंग होगी तो 100% कंफर्म है। देन इसके बाद कैप्टन मार्वल मूवी की अभी हाल ही में एक वीडियो रिलीज हुई थी छोटा सा, जिसमें कि हमें मोनिका का फर्स्ट लुक देखने को मिला। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो 100% आया होगा कि मोनिका के फर्स्ट लुक से हमें मतलब क्या है। मतलब है, कॉमिक बुक में ये लड़की छोटी सी एक सुपर हीरो है, तो 1995 में ये लड़की ऐसी दिखती है, तो 2019 में और 4 साल बाद एवेंजर एंड गेम का जो इवेंट है तो उसमें ये कैसी दिखेगी, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। देन इसके बाद क्रिस इवांस की काफी कमाल का अपडेट है। तो ये एक रूमर है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं है, फिर भी अगर ये रूमर सच हो गया तो मजा आ जाएगा। तो क्रिस इवांस की एक इच्छा है कि मैं फ्यूचर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस को डायरेक्ट करूं, यानी कि कोई सीरीज बना सकते हैं या वो कोई एपिसोड पर मार्वल से रिलेटिव। बढ़िया, मजा आएगा। देन उसके बाद थॉर एक्टर से रिलेटिव एक कमाल का अपडेट है पर्सनल लाइफ का। क्रिस हेम्सवर्थ ने भी चीज रिवील करी कि उन्हें थॉर का रोल जब मिला नहीं था तो वो अपने करियर एक्टिंग को एकदम क्विट कर चुके होते थे। तो देन उन्हें जो एक्टिंग का पहले पैसा मिलता था, 2008 से पहले की बात है, तो वो सारा पैसा उनके डैडी किराए पे रहते थे तो वो उसमें जमा करते थे। फिर जब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े तो उनकी लाइफ पूरी बदल गई, काफी ज्यादा इंप्रेसिव। देन उसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से काफी कमाल का अपडेट है। तो उस मूवी को काफी ज्यादा डिले करा जा रहा था, फैंस काफी ज्यादा बोर हो रहे थे कि कब ये मूवी का अपडेट आएगा। तो फाइनली क्रिस ने ये कंफर्म कर दिया कि इसका जिम्मा मैं लेता हूँ और देन जल्दी से जल्दी मैं फैंस के सामने इस मूवी को प्रेजेंट करूंगा। तो सब कुछ अब उनके हाथों में है, क्या डायरेक्टर रहूंगा, कौन कैसे करेगा। देन उसके बाद एक अपडेट है कैप्टन मार्वल मूवी का। तो कैप्टन मार्वल मूवी में काफी सारे विलेन है और पूरा विलेन यानी कि क्री साम्राज्य। तो क्री साम्राज्य में जो एक साइंटिस्ट है यानी कि एनिटा, उनका जो रोल था वो एक्चुअल में सुपर क्री इंटेलिजेंस का है, जो रोल हमें पहले पता नहीं था, कंफर्म नहीं था, बट आज वो कंफर्म हो चुका है। देन इसके बाद एक अपडेट है काफी कमाल का एवेंजर एंड गेम है। अब एवेंजर एंड गेम में काफी सारे सुपर हीरो हैं, आए दिन कोई ना कोई कास्ट आती रहती है, तो फाइनली इससे रिलेटिव एक और नई कास्ट आई है। आपने इन एक्टर को हैंगओवर मूवी में देखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, और मैं इनका काफी बड़ा फैन हूँ उसी मूवी से। तो हैंगओवर के ये एक्टर जिनका नाम है किंग, तो ये फाइनली एवेंजर एंड गेम मूवी में कास्ट करे गए। अब क्या रोल है अब ये कुछ पता नहीं है। फाइनली पोस्ट प्रोडक्शन पर पहुंच चुकी है एक्समैन द न्यू म्यूटेंट, जो कि फॉक्स की अपकमिंग एक मूवी है। इस मूवी को काफी ज्यादा डिले करा जा रहा है, पर ये मूवी अब पोस्ट प्रोडक्शन पर पहुंच चुकी है। देन उसके बाद काफी कमाल का अपडेट है टोनी स्टार से रिलेटिव। तो उनकी 3 आर्मर फाइनली रिवील हो चुके हैं जो एवेंजर एंड गेम में है, और वो पोस्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है। मैंने इसमें वीडियो में यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ चुका है मेरे पे ऑलरेडी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।